राज के साथ होटल के कैफे में अपनी ब्लाइंड डेट सोचकर अर्पिता खुश हो रही थी, तभी गौरव आकर उसके सपनों पर बिजली गिरा देता है। सुन रही हो ना, कल मेरे साथ फैमिली डे पर ऑफिस चलना है। ये कहता हुआ वो अपने कमरे से बाहर आता है। कल फैमिली डे, ये क्या होता है? अर्पिता जैसे किसी सपने से बाहर आई। अभी कुछ देर पहले ये आदमी मुझसे झगड़ा कर रहा था और अब अचानक मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता है। इसको समझना भी ना बड़ा मुश्किल है। अर्पिता ने मन ही मन बड़बड़ाया। फैमिली डे नहीं जानती हो? ऑफिस में काम करने वाले सबकी फैमिलीज का गेट टुगेदर। शादी पे ऑफिस से कोई आ नहीं पाया था तो अब वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। गौरव ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा। मैं बोर हो जाऊंगी वहां पर। मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। और फिर कल ही जाना जरूरी है क्या? अपने ताज के प्लान पर पानी फिरता देख बुझे मन से अर्पिता ने पूछा। चलोगी नहीं तो जानोगी कैसे? खुद ही तो कहती रहती हो कि नए लोगों से मिलना है, तो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? गौरव ने हैरान होकर उसे टोक दिया। अर्पिता एकदम सकपका कर बोली, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों होगी? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि कल पार्टी में मैं यही वाली लाल ड्रेस पहन के चलती हूँ। मुझे कितनी सूट कर रही है ना। उसके ये कहते ही गौरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे ऑफिस की पार्टी में तुम ये उटपटांग कपड़े पहनकर चलोगी? ये हाई फाई फैशन कैरी कर पाओगी यहाँ की लड़कियों के सामने? घर पर शॉप पूरा कर लिया है, बाहर गलती से भी मत दिख जाना इसमें। अर्पिता भी तुनक कर बोली, हाँ हाँ, यहाँ की लड़कियाँ पहने तो वाह वाह, और साथ में सुंदर सी बीवी पहने तो तौबा तौबा। सही जा रहे हो बेटा। गौरव ने झुंझला कर कहा। ओफो, हो गया तुम्हारा? कल ब्रेकफास्ट के बाद साथ ही चल लेंगे, टाइम से तैयार हो जाना। और वो सोने चला गया। पूरी रात एक तरफ गौरव खर्राटे लेते हुए नींद में मस्त था और दूसरी तरफ अर्पिता की नींद उड़ रखी थी टेंशन में कि वो ऑफिस की पार्टी और राज की मीटिंग दोनों चीजों को कैसे मैनेज करेगी। पापा जी, कुछ तो चमत्कार कर देना, यहाँ आने के बाद पहली अच्छी चीज होने वाली है, सब आपके भरोसे है अब। ये सोचते सोचते वो भी देर रात आखिर सो ही गई। सुबह पार्टी के लिए तैयार होते हुए अर्पिता ने गौरव के फेवरेट रंग का सूट पहना और साथ में एक बड़ा सा पर्स लिया जिसमें अपनी लाल ड्रेस को फोल्ड करके रख लिया। वो जैसे ही बाहर आई, गौरव की नजर उसके बड़े से पर्स पर गई। ऑफिस की जगह गोवा जाने का प्लान बना लिया है क्या? अर्पिता ने चिढ़कर कहा। इतना सुंदर सूट पहना है, उधर नजर गई? नहीं ना, बस मेरे फैशन पे कमेंट करना जरूरी है तुम्हें। तुमको तो फैशन क्रिटिक बनना चाहिए था, आईटी में फालतू में टाइम पास कर रहे हो। अर्पिता का उतरा हुआ मुंह देखकर गौरव एकदम से पलट गया। बेबी, तुम तो बात बात पर भड़क जाती हो, चलो चलते हैं, देर हो रही है। अर्पिता को जैसे उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी क्या बोला तुमने मुझे? बेबी, आज तक तो कभी कहा नहीं। तो आज कह दिया, अब देर हो रही है, चलो भी। कहते हुए गौरव अर्पिता को लेकर घर के बाहर निकल आया। अर्पिता ने बनारस में हर तीज त्योहार में खूब रंग जमाए थे, पर आज वो पहली बार इतने बड़े शहर की किसी गैदरिंग, वो भी सीधा गौरव की ऑफिस पार्टी में जा रही थी। अंदर से वो थोड़ी नर्वस थी, पर बाहर अपने सड़ू पति को चाहकर भी कुछ बता नहीं सकती थी। जैसे ही दोनों ऑफिस परिसर में घुसे, अंदर का माहौल एकदम यंग एंड हैपनिंग था। पार्टी में सबसे पहले गौरव का दोस्त विशाल पास आता है और सीधे अर्पिता से बोलता है। वेलकम अर्पिता, सो गुड टू सी यू।
हम लोग तो तरस गए मिलने को। कब से कह रहे हैं गौरव को कि शादी की पार्टी दे दो यार, पर ये कंजूस हर बार हमें टाले जा रहा है। अर्पिता कुछ कहती इससे पहले ही गौरव हंसता हुआ बोलता है, अबे तू तो इस ऑफिस की पार्टी को ही मेरी शादी की पार्टी समझ ले यार। इतने में ही गौरव की एक और कोलीग आती है और सीधे गौरव के गले लगकर उसे हेलो कहती है। फिर अर्पिता की तरफ मुड़कर बोलती है, यार गौरव, बनारस की ब्यूटी क्या मिल गई, हम दिल्ली वालों को तो तुम भूल ही गए। गौरव ने उसे चहकते हुए गले लगाया और कहा, तुम पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो जिएंगे कैसे मैडम, यू आर माय फर्स्ट लव आफ्टर ऑल। उतने में ही तीसरी कोलीग ने भी आके उसे हग किया और गौरव ने बड़े एंथुजियाज्म से उस लड़की को भी अपने गले से लगा लिया। अर्पिता बेहद हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है, गौरव मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा है क्या, इन सब से लिपट लिपट के प्यार व्यार तो करता नहीं है, फिर ये नौटंकी क्यों। गजब चोंचले हैं इन बड़े शहर वालों के। अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव ने उसके कानों में कहा, ये सब मेरे प्रोजेक्ट टीम में है, दे आर जस्ट पुलिंग माई लेग, तुम कुछ भी सीरियसली मत लेना। उनमें से एक लड़की भी हंसते हुए बोलती है, यस अर्पिता, ये तो हमारा रोज का हंसी मजाक है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, पता चले घर पहुंचते पहुंचते हमने तुम्हारा डिवोर्स ही करवा दिया। उस लड़की के ये कहने पर आसपास खड़े गौरव के सब दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े और गौरव ने बड़े प्राउडली बाकी सबसे अर्पिता को इंट्रोड्यूस किया। अर्पिता जितनी हैरान थी उतना ही खुद को बेवकूफ महसूस कर रही थी। पापा जी, अगर गौरव इतना ही फन लविंग है तो मेरे साथ फन या लव कुछ तो, और इतना ही फन लविंग है तो मेरे साथ फन या लव कुछ तो करे, घर पर तो ये आदमी काटने को दौड़ता है। पार्टी में हर तरफ चहल पहल थी पर अर्पिता का कांटा घड़ी पर जा टिक गया जिसमें अब एक बज चुके थे। वो मन ही मन बुदबुदाई, गौरव के चक्कर में आज राज हाथ से ना निकल जाए वरना मेरे ताज होटल का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी गौरव अपने और अर्पिता के लिए वाइन ग्लास लेकर आता है। अर्पिता को ताज पहुंचने की टेंशन में वाइन पीने का बिल्कुल मन नहीं था पर हंसी मजाक में गौरव उसे बार बार पीने को बोलने लगा क्योंकि उनके आसपास भी सब अपने ग्लास लिए झूम रहे थे। इतने में पार्टी में तेज हलचल हुई। एक 40 की उम्र का फिट एंड एथलेटिक आदमी अपनी 100 किलो की लंबी चौड़ी बीवी के साथ बड़े ही स्वैग के साथ पार्टी में आया। बीवी ने काफी शॉर्ट गाउन पहना था जिसे वो बार बार कॉन्शियस होकर ठीक कर रही थी। गौरव ने अर्पिता को उनसे इंट्रोड्यूस तो कराया लेकिन बॉस ने सीधा मजाक करते हुए बोला, अच्छा अच्छा तो ये है वो खूबसूरत बीवी जिसके चक्कर में तुम रोज लेट आते हो और जल्दी पैकअप कर लेते हो। गौरव शर्मा के हंसने लगा पर अर्पिता एकदम से सोच में पड़ गई, ये तो रोज जल्दी ऑफिस जाता है और लेट वापस आता है, ये क्या नई मिस्ट्री है। बॉस ने भी अपना वाइन ग्लास लिया और बाकी सबके साथ चीयर्स किया। गौरव ने फिर से अर्पिता से कहा, कम ऑन थोड़ा तो ड्रिंक कर लो, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स में ये सब करना पड़ता है। अर्पिता ने एक बार फिर मना करने को अपना हाथ बढ़ाया पर हड़बड़ी में गलती से वाइन बॉस की बीवी के व्हाइट गाउन पर गिर गई। सारे लोग एकदम से ठहर गए कि बॉस और उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा, पर उससे पहले ही गौरव ने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल अर्पिता, ये तुमने क्या किया। बॉस की बीवी, नो इश्यू, कहते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ निकल गई और अर्पिता सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा फील करने लगी। वो वहां से बाहर जाने के लिए निकलती ही है कि गौरव उसका हाथ पकड़ लेता है। अब क्या नाटक है, लेकिन उल्टा अर्पिता ने पूछा, गुस्सा इसलिए हो कि सबके सामने वाइन नहीं पिया या फिर इसलिए कि बॉस की बीवी की ड्रेस खराब हो गई, ये किस गौरव के साथ आई हूँ मैं, समझ नहीं पा रही हूँ। गौरव ने उसका हाथ छोड़ दिया इससे पहले कि बात और बिगड़े पर अर्पिता वहां से तेजी से बाहर निकल गई। अर्पिता बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, बाबा जी आप ज्यादती नहीं कर रहे हो मेरे साथ, मतलब इतनी तो कलरफुल दुनिया बनाई है आपने फिर मेरे ही मेन्यू में खिचड़ी क्यों भर दे रहे हो, मुझे बिरयानी चाहिए बस, मैं ऐसी झंडू लाइफ नहीं झेल सकती हूँ। अर्पिता ने फटाफट जाके सामने वाले मॉल में कपड़े बदले और कैब लेकर ताज होटल के लिए निकल गई। पहली बार इतने बड़े होटल में घुसी हूँ, सुबह पार्टी जैसा कुछ कांड ना हो जाए बस। बाबा जी हिम्मत देना। ताज में घुस के उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, वहां लाइन से कई सारे रेस्टोरेंट थे और अब तो ऑलरेडी 2:30 बज चुके थे।
अर्पिता ने एग्जैक्ट रेस्टोरेंट का नाम और इंस्ट्रक्शन चेक करने के लिए फोन निकालकर राज का मैसेज पढ़ा। जैसा मैसेज में लिखा था, अंदर ग्रे सूट में एक 27-28 साल का लड़का बैठा था। सुनहरे घुंघराले बाल, चौड़ा माथा, गोरा रंग और एकदम इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी। उसे देखकर अर्पिता और भी नर्वस हो गई। उसने भी रेड ड्रेस पहनी अर्पिता को देख लिया था। अर्पिता जैसे ही उसकी टेबल तक पहुंची, उस लड़के ने बहुत शार्प टोन में बोला, 1.5 घंटा लेट आइए आप। अर्पिता बहाना मारते हुए कहती है, ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गई। मेट्रो सिटी में रहकर ट्रैफिक का बहाना, कम से कम एक्सक्यूज तो क्रिएटिव सोच लेती। खैर बैठिए। अर्पिता हैरान थी कि जो रात में इतना फ्लर्ट कर रहा था, अभी उससे इतना कोल्डली बिहेव कर रहा है। ओ मिस्टर, आप मुझसे इतनी रोडली कैसे बात कर रहे हैं? मैंने अभी जॉब के लिए हानि कही है। बॉस नहीं है आप मेरे, अर्पिता ने अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। मिस अर्पिता, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द पॉइंट। किसी भी जॉब को करने के लिए जॉब के काबिल होना भी जरूरी है, उस बंदे ने डोमिनेटिंग टोन में कहा। अर्पिता का मूड पहले ही ऑफिस की पार्टी में बहुत खराब हो चुका था, और यहाँ पर भी उस लड़के का ऐसा बिहेवियर देखकर उसके अच्छे खासे एक्साइटमेंट की तो बैंड ही बच गई। उसने अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए प्यार से पूछा, कहिए फिर किस लिए मिलना चाहते थे आप? कोयल मल्होत्रा वाले शो के कॉल्स आपने ही अटेंड किए ना, ये कहकर कि आप एक्सपर्ट हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट वाला पेपर उसके सामने रखा तो अर्पिता ने पढ़ा, कोयल मल्होत्रा PhD स्पेशलिस्ट, माने प्यार, हार्ट ब्रेक और डर्टी सीक्रेट्स शेयर कीजिए और उनके सोल्यूशंस पाइए ओनली ऑन रेडियो मस्ती। और उसके नीचे अर्पिता का नंबर था जो गलती से छप गया था। एड पढ़कर अर्पिता ने कहा, सही कहा था मैंने, मैं एक्सपर्ट भी हूँ। आपको ना मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं है, गली मोहल्ले से लेकर स्कूल कॉलेज तक के सारे कांड मैं ही निपटाती आई हूँ, वो भी चुटकियों में। किसी की गर्लफ्रेंड बेवफा हो, किसी का बॉयफ्रेंड कमीना हो, किसी की पत्नी ने अपने पति की जासूसी करानी हो, किसी की पत्नी का किसी के साथ लफड़ा चल रहा हो, भाई भाई की लड़ाई हो या सास बहू के कलेश, मैंने तो कितने डंटे सुलटाए हैं, आपको अंदाजा नहीं है क्या चीज हूँ मैं। उसकी बात बीच में ही काटकर एकदम से वो शख्स बोल उठा, लुक अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ही 30 मार्का हो तो ये विजिटिंग कार्ड है, कल 12 बजे स्टूडियो आना है, तब देखते हैं क्या आता है तुम्हें और क्या कर सकती हो। वो आपसे सीधा तुम पर उतर आया। वो उठने ही वाला था कि अर्पिता का फोन बजा और उसने एकदम से उठा लिया। फोन उसी लड़की का था जो रात को रो रही थी कि शराब पिलाकर किसी लड़की ने उसका वीडियो बना लिया। वो बोलने लगी, हेलो कोयल जी, मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर ये 3-4 लड़के हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं। I'm feeling scared. अर्पिता जो अभी तक बहुत नर्वस थी, कॉल आने से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस एकदम से लौट आया। उसके दिमाग की बत्ती झन्नाटे से जली। अर्पिता ने उस खड़ूस लड़की की ओर देखकर कहा, लो आपका ही फोन आ गया है, लाइव डेमो ही देख लो। अर्पिता ने अपना फोन स्पीकर पर करते हुए उस लड़की से कहा, अरे तुम ना डरो मत, एक काम करो तुम अपने फोन का कैमरा ऑन करके फोन स्पीकर पर डाल दो और उस लड़के को बोलो कि मेरी दीदी को तुमसे बात करनी है, मैं निकालती हूँ उसकी हीरोगिरी। अर्पिता ने अपनी साइड से फोन का कैमरा ऑफ किया और उधर उस लड़की ने स्पीकर ऑन करके कैमरा ऑन कर दिया और उस लड़के को बोला, मेरी दीदी से बात करो। अर्पिता ने देखा कि वो लड़का किसी बार के काउंटर पर बियर का ग्लास हाथ में लेकर खड़ा है। अर्पिता ने उसे देखते ही कहा, अबे ओ हीरो, बड़ा चस्का है तुझे लड़कियों की वीडियो बनाने का, बहुत हीरोगिरी सूझ रही है। वो लड़का भी उतनी ही बेहयाई से बोला, ओ बेबी सिस्टर की बिग सिस्टर, तेरी इस सिस्टरगिरी का मेरे पर कोई असर होने वाला नहीं है और कान खोल कर सुन ले, मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया है, ब्लडी हेल, आ जाती है कहीं से भी उठकर। अर्पिता भी उसकी लैंग्वेज सुनकर तिलमिला उठी, अबे ओ अंग्रेज की औलाद, फालतू की बकैती मत कर, तेरे जैसे चिलगोजे बीच सड़क में चप्पल से धोने हैं मैंने बनारस में, अपनी पर उतर आई ना तो तू वीडियो बनाना तो दूर, फोन को हाथ लगाते हुए डरेगा साले। How dare you abuse me like this in public? लड़के ने लगभग चीखते हुए कहा। अर्पिता समझ गई कि दोस्तों के बीच में उसकी बेइज्जती खराब हो रही है, लग गई है लड़के को, पब्लिक में गाली खाने में तेरे को शर्म आ रही है और अकेले में तू लड़कियों के वीडियो उतारेगा बे? अर्पिता की सनक देखकर वो लड़का अब डिफेंसिव हो गया। अजीब पागल लड़की हो तुम, समझ ही नहीं आ रहा क्या तुम्हें कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो लड़का बुरी तरह से घबरा चुका था। अर्पिता ने उस कॉलर लड़की को कहा कि काउंटर पर रखा बियर का ग्लास उठाकर लड़के के मुंह पर फेंक दे। लड़का बिल्कुल बौखला गया। अरे हो कौन तुम जो ऐसे शक्ल छुपाकर कुछ भी बोले जा रही हो? अर्पिता ने फिर उस लड़की को कहा, सोच मत तू, बस बियर फेंक दे इसके मुंह पर। वो लड़की भी आनंद फानंद में ये कर देती है। अर्पिता उस लड़के को धमकाती हुई कहती है, अब तू इस कांड को याद रखियो और सुन, तेरा ना वीडियो बना लिया है हमने, तू हमारी बहन या किसी भी और लड़की को तंग करता हुआ पकड़ा गया ना तो सच बता रही है तेरा वीडियो वायरल कर देंगे, बड़ा आया अंग्रेज की औलाद। ये कहकर अर्पिता ने उस लड़की को कहा, तुम अब घर जाओ, ये अब कुछ नहीं करेगा, और फोन काट दिया। फिर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे अभी अभी उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। पर एप्रिसिएशन तो छोड़ो, बल्कि उसने बड़ी सरकास्टिक स्माइल देकर अर्पिता से कहा,
बनारसी हो? अर्पिता तुनक कर बोली, तो क्या बनारस का होना कोई खराब बात है? खराब का तो पता नहीं, पर ताज में बैठकर ठेठपनी में गालियां देने के गट्स कमाल के हैं तुम्हें। कहा तो उसने मजाक उड़ाते हुए था, पर अर्पिता ने इसे अपनी तारीफ समझ लिया और चहकते हुए बोली, देखा आपने, मैं ना कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। अब तो लाइव डेमो देख लिया ना कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। बेवकूफ ज्यादा लग रही हो तुम, जिस तरह यहाँ बैठकर गालियां निकाल रही हो। शो में लोगों के कॉल अटेंड करके सोल्यूशन देना सड़क पर चप्पल जूते चलाने जितना आसान नहीं है। यहाँ हाथ पैर नहीं जुबान चलानी होती है, वो भी अक्ल के साथ। कल 12 बजे स्टूडियो आओ, फिर देखते हैं किस लायक हो तुम। उसका एटीट्यूड देखकर अर्पिता यूं तो अकड़ दिखाना चाहती थी। मुझे क्या पड़ी है स्टूडियो आने की, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। कोई एहसान कर रहे हो क्या नौकरी देकर? तुमने ही बुलाया था मुझे यहाँ पर। उस लड़के ने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया, विजिटिंग कार्ड टेबल पर रखकर चला गया। अर्पिता गुस्से में तिलमिलाकर रह गई। एक बार तो उसने सोचा कि बाहर में जाए, इतनी अकड़ तो मैंने अपने घर वालों की नहीं सही। फिर उसे लगा कि ये तो एक चैलेंज देकर चला गया है। वो बुदबुदाई, आऊंगी मिस्टर, कल ठीक 12 बजे। तुम्हारी 12 ना बजा दी ना तो मेरा नाम अर्पिता नहीं। अर्पिता ने बच्चों की मासूमियत से ठुनक कर खुद से कहा, फिर कार्ड पढ़ने लगी। ऋत्विक सिंघानिया, ये कौन है? रात को तो उसने अपना नाम राज सिंघानिया बताया था, क्या मुझसे ही सुनने में गलती हुई? रात को तो बात भी इतने अच्छे से कर रहा था और अब तो महाखड़ूस। अर्पिता पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसने घड़ी पर नजर डाली, अभी बस 4 बजे हैं। अर्पिता सोचने लगी, गौरव तो लेट आता है, अब जब आ ही गई हूँ तो आराम से इंजॉय करती हूँ। सुबह से दिन ही मनहूस जा रहा है। टेबल पर रखी कॉफी आराम से पीते हुए आसपास लोगों को हंसते बोलते देखकर वो अंदर ही अंदर किलस रही थी कि उसकी जिंदगी ऐसी स्टाइलिश और आलिशान क्यों नहीं है। रेस्टोरेंट से निकलकर उसने सोचा कि जब वहां आ ही गई है तो लॉबी की शॉप्स में थोड़ी विंडो शॉपिंग कर ले। उसका काफी वक्त अच्छे से गुजर गया। जब उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 8 बज गए थे। गौरव भी आने वाला होगा तो घर पहुंचकर ना कपड़े बदल लेती हूँ, ये सोचते हुए वो बाहर निकली और उसने सीधा घर के लिए कैब ले ली। घर पहुंचकर जब वो कैब का पेमेंट कर रही थी तब उसने ऊपर अपनी फ्लैट की तरफ देखा और शॉक हो गई। पापा जी, आज तो गई काम से। ऊपर बालकनी में गौरव ऑलरेडी खड़ा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट FM।